बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 07। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं नेशनल प्रेस क्लब में, जहां पर हमारे मरहूम सहाफ़ी अब्दुल्ला मंगी का ताज़ियती रेफरेंस जारी है। आइए हम अपने दोस्तों से उनके हवाले से राय लेते हैं। जो हमारी आइडियोलॉजी है नेशनल प्रेस क्लब सखर की, यकीनन अब्दुल्ला उस सफ़ों का दोस्त नहीं था। अब्दुल्ला का ताल्लुक हमारे नज़रियाती मुखालिफ प्रेस क्लब से था, और अब्दुल्ला की जो आज यहाँ बात हो रही है, ये कहने के एक तरह से उसके कैंप के मुखालिफ कैंप में अगर अब्दुल्ला की बात हो रही है, और सबसे पहले ये जिम्मेदारी भी सखर नेशनल प्रेस क्लब ने अपने सर ली कि इन मुल्क में हर रोज़, हर महीने, हर साल लखे मानू दुरअसरार मौत के मुँह में लाजन था, पर रियासत इन मुल्क के निज़ाम की कोई फिक्र ना है। आज सखर नेशनल प्रेस क्लब ने उसका रेफरेंस पेश करके ताज़ियती इजलास बुलाकर उसके खराज हैसियत पेश करके उसकी दुआ मफ़रत कराकर ये साबित कर दिया कि ये हक और सच के अलमबरदार ये हैं और रहेंगे। मैं सिखाता था कि कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे कवरेज करनी है। पुलिस मुकाबले होते थे, लाठी चार्ज होती थी, आंसू गैस चलते थे, तो पहले अपने आप को बचाया। हमने शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला एक अच्छा कलमकार भी था, कैमरामैन भी था, और माशाल्लाह उसकी बहुत जदोजहद थी, और अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस में जगह देगा। और मैं कह रहा हूँ उस जैसा खुश इखलाक, उस जैसा बेहतरीन इंसान बहुत कम होते हैं, और कभी भी किसी किस्म की कोई भी उसने गलत बात नहीं की कि जो आदमी, मगर मैं कह रहा हूँ इतनी प्यार मोहब्बत देने वाला ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। पास अल्फाज नहीं है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, आपने हमारी फैमिली को यहाँ पर इन्वाइट किया, और हमने हम आपके सामने हैं, पीछे हमारे बहुत से फैमिली मेंबर्स आपके लिए मशहूर हैं, हमारे बड़े, उन्होंने आपके लिए शुक्रिया अदाई के अल्फाज कहे। और दूसरा ये कि हम आपके दोस्तों के, प्रेस के जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। ये मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, अब्दुल्ला के कज़न्स हैं, और हम भाई हैं, तो हम आप लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, अहले बैत सब को उसका सवाब पहुँचा रही है, खास तौर